हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ व्हिप्ड क्रीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे हम आज बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप में बनाएंगे। इसे बनाने के लिए ना तो हमें मशीन की ज़रूरत है और ना ही बहुत ज़्यादा झंझट की, बहुत ही आसानी से ये बन जाती है फ्रेंड्स। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, उसमें हम डालेंगे 100 ग्राम के करीब बटर। अगर आपके पास बटर नहीं है फ्रेंड्स, तो आप इसके जगह पर घी भी ले सकते हो। तो उसके बाद अब हम स्पून के हेल्प से इसे छोटे छोटे पीसेस में कर लेते हैं। आपको बटर या फिर घी को व्हिप्ड क्रीम बनाने से पहले उसे फ्रीज में रख देना है, तो मैंने इसे फ्रीज में रख दिया था। उसके बाद स्पून के हेल्प से इसे इस तरह से हम कर लेते हैं छोटे छोटे पीसेज में। उसके बाद अब हम इसे विस्कर के हेल्प से अच्छे से इसे स्मूथ कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे स्पून या फिर फॉक से भी कर सकते हो आप। तो इसे अच्छे से स्मूथ कर लेना है पहले बटर को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से स्मूथ कर लिया, बटर काफ़ी स्मूथ हो गया अच्छे से। उसके बाद अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने शुगर पाउडर लिया है फ्रेंड, चीनी को मैंने मिक्सर में पीस लिया है। तो इसे हम 2 चम्मच के करीब पहले डालेंगे, 2 चम्मच। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसी तरह से एक साथ पूरा नहीं डालना, बस 2-2 चम्मच करके हम डालेंगे। 2 चम्मच डालेंगे और फिर अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद फिर से डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। तो हमें शुगर पाउडर 1 से 1.5 कप के करीब डालना है। तो पूरा हम 1 से 1.5 कप हम इसमें शुगर पाउडर डालेंगे, फिर से हम मिक्स करेंगे अच्छे से। जैसे जैसे हम इसे डाल के अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, इसका कलर भी वाइट होता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने टोटल 1.5 कप डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे। तो हमें इसे एकदम स्मूथ होते तक मिक्स करना है। तो बहुत ही बढ़िया इसका टेक्सचर आ जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल एकदम व्हिप्ड क्रीम के जैसा। देखिए बहुत ही बढ़िया से मैंने इसे मिक्स कर लिया और देखिए बिल्कुल एकदम व्हिप्ड क्रीम के जैसा टेक्सचर आ गया। देखिए ऐसे गिराने पे ये गिर भी नहीं रहा और बहुत ही अच्छा स्मूथ हो चुका है। तो इसी तरह से देखिए गिराने पर ये गिर भी नहीं रहा। तो इसी तरह से हमें बढ़िया से इसे मिक्स करना है, इसका कलर भी वाइट हो गया है। अब हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि अब हम इसे 2 अलग अलग फ्लेवर में बनाने वाले हैं। तो आपको जो भी फ्लेवर का बनाना है उसमें आप उस फ्लेवर में ऐड कर दें। जैसे कि आप अगर चॉकलेट फ्लेवर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें चॉकलेट फ्लेवर डाल सकते हैं, वैनिला एसेंस डाल सकते हैं अगर आप वैनिला फ्लेवर बनाना चाहते हैं तो, या फिर आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनाना चाहते हैं तो आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का इमर्शन डाल रही हूँ, इससे कलर और फ्लेवर टेस्ट तीनों ही आ जाएगा। तो इससे अच्छे से डाल करके मिक्स कर देंगे। तो आप इसी तरह से कोई भी फ्लेवर का व्हिप्ड क्रीम बना सकते हैं। तो ये हमारी व्हिप्ड क्रीम बनके रेडी है। तो आप भी इसे घर पे बना के ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।